जो है वो अपने छोलों की तैयारी कर रही है। प्याज है, इसने प्याज कट कर लिया, टमाटर कट कर लिया है, और ये मैंने थोड़ी जो है पकौड़ों की तैयारी की है। यहाँ आलू वाले पकौड़े बनेंगे तो ये उसके लिए छोले हैं, मैंने छोले जो है बॉयल कर लिए हैं। सो हम अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग को भी दिखाते हैं हम कैसे अपनी आज अफ्तारी बनाएंगे। अच्छा, और साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि ये हमारा किचन नहीं है, किचन हमारा बाहर है, लेकिन आजकल कोई है ही नहीं, हम अकेले हैं, तो हम लोग जो है यही कुकिंग कर रहे हैं, हम अपने जो है ठीक है अपने लॉन्च में। अच्छा, और नीचे जा रही हूँ पुदीना लेने, सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कहाँ पुदीना लगा हुआ है। हाँ, तो मैं पुदीना लेकर आती हूँ, मैं जब तक ये काम कर रही है सारे। देखिए सामने वाली बिल्डिंग में आके जो है ये सामने हमारी बिल्डिंग वो है, वो वाली बिल्डिंग है, इसके सामने यहाँ पे स्टूडेंट्स सारे खेल रहे हैं। सो यहाँ ये पुदीना लगा हुआ है इतना सारा, मैं यहाँ से तोड़ूँगी, आप देख सकते हैं कितना सारा पुदीना है। मैंने पुदीना तोड़ लिया है, देखें अब मैं ये लेके जा रही हूँ। सो अब सहरबाजी ने पुदीना तोड़ लिया है और वो बहुत खुश नज़र आ रही है। सो हमारे वहाँ पर जो है लगा हुआ होता है उधर कोने में, हमारी एक आई आंटी ने लगाया हुआ है, सब ये लेकर आ रही हैं, तो हम दिखाते हैं फिर पुदीना कैसा फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा खस्ता खस्ता है। और हमने ना सामान ऑर्डर किया था हमारे रमज़ान के लिए, सो वो बंदा जो है आपको पता है यूनिवर्सिटी में इंटर अंदर नहीं होने देते, तो वो ईस्ट गेट पे हमारा वेट कर रहा है, तो अब जाना पड़ेगा, लेकर आना पड़ेगा सामान, तो वहाँ जाते हैं फिर आपको भी दिखाते हैं हमें क्या क्या सामान ऑर्डर। चलो चलो जल्दी करो, कोई चला जाएगा उन्हें, इतना सारा सामान हम कैसे उठाएंगे, बाइक पर जाएंगे। चलो चलो कल चलते हैं। इतना भारी सामान आया, सो आप देख सकते हैं वो भी इस तरह सामान लेके जा रहे और यहाँ हम भी इस तरह सामान लेके जा रहे। हम थक रहे हैं, एक तरफ थक रहे हैं, एक तरफ उठा रहे हैं सामान, बहुत ज्यादा भारी है क्योंकि बहुत ज्यादा आटा भी है इसमें, आटा भी है, मतलब 5 किलो तो बहर आटा है खाली, तो आप सोच सकते हैं बहुत भारी है भाई। बाइक लानी चाहिए थी, मुझे आइडिया नहीं था, शुक्र मैं महर को ले आई, मैं अकेले कैसे लाती, फिर तो मैं बाइक ही लेकर आती अगर मुझे पता हो सके, तो आज मुझे कॉल कर देती, रुक रुक के जाना पड़ेगा। यू नो बहुत भारी है, देख लें आटा और सारा सामान है उसके अंदर, सामान भी दिखाएंगे हम, हमने क्या क्या ऑर्डर किया है। चल लें, 6 बज गए होंगे, 6 बज रहे हैं, रोज़ा सहरी बनानी, ओह अफ्तारी बनानी है, देख लें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है हमें, और आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जिनको आसानी से सारी ग्रॉसरी और सारा सामान मिल रहा है। ये देख सकते हैं, अरे अल्लाह हम तो थक गए, ओ मेरे खुदा क्या करें, लेके जाना है, लेकिन फाइनली हम अपने टॉम पहुंच गए, और अब यहाँ से भी हमारी दोबारा बहुत रोज़ा लगे, बहुत अभी तो तारीफ बनाई है, हार गया, हम लोग रूम में पहुँचे, सांस फूल रही मेरी तो बहुत ज़्यादा, और अब हम अपना जो है ऑनलाइन जो है फ्रूट्स वगैरह भी ऑर्डर करना है, मैं आपको दिखाते हैं। महर इधर आओ, बताओ कैसे ऑर्डर करोगी तुम, महर अब जो है ऑर्डर करेगी, देखो महर ऑर्डर कर रही है, वो दिखाएगी आप लोगों को, और अब फ्रूट ऑर्डर करेंगे वो भी कल तक आएंगे, और बाकी जो चीज़ें थी वो हमने ऑर्डर कर ली, दिखाओ किस तरह, देखो हम यहाँ पर इस तरह, ये ऑनलाइन एक ऐप है जिसके अंदर सारा सामान है, एप्पल हो गया, ये सब कुछ हो गया, कैचअप मैं भूल गई, मैं कैचअप ऑर्डर कर देना, कैचअप वगैरह है और फ्रूट्स है, तो हम ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाएंगे हमने क्या क्या ऑर्डर किया। ऑर्डर कर दिए, और ये पाइन ऐपल ऑर्डर कर दिया, और सेब, एप्पल, मैंगो, सही है, सही है ऑर्डर कर दिया सब कुछ। अच्छा नहीं, मैंने देखा था कैचअप हो गया, नहीं है, चलो सही है, ओके ऑर्डर कर दो। 96 में देखिए हम पे कर देंगे, हम सब कुछ यहाँ पर ऑनलाइन पे करते हैं और सारा कुछ ऑनलाइन पे होता है, और इसी तरीके से ये अब देखिए ऑनलाइन हो गया और ये पेमेंट हो गई, ग्रुप में सेंड कर दूंगी मेरा ऑर्डर कब तक आ जाएगा, फ्रूट्स और सब कुछ। सो यहाँ पर इस तरह देखें ऑनलाइन ऑर्डर, यहाँ
6:45 हो रहे हैं और रोज़ा खुलेगा 6:57 पे। तो हमने आज समोसे बनाए हैं और मैं आपको सारा सामान भी अपना दिखाऊंगी कि हमने क्या क्या चीज़ें ऑर्डर की हैं। एक्साइटेड होती है तो कुछ ऑर्डर करते हैं। और आपको दिखाऊंगी, देखिए छोटे छोटे से पकौड़े समोसे छोटे छोटे से और ये जो है रोजी पटियाँ हम लोग जो है रोज हम बनाते हैं, सब्जियाँ भी मंगवा ली हैं और सारी चीज़ें हो गई हैं। चलो दुआ कर लेते हैं। मैं 47 है, 57 बस 10 मिनट रह गए हैं, 10-15 मिनट। दुआ करते हैं, हम आपके साथ रोज़ा खोल रहे हैं। आपने देखा हमारा रोज़ा कैसे गुजरा है, कि नॉर्मल नहीं है सब कुछ, बट हमें इसी तरीके से गुजारना है और कोई ऑप्शन नहीं। और सेकंड ये है कि हम नमाज़ पढ़ी है और इफ्तार किया है, बहुत थक गए हम लोग। और मेहर आज बहुत ज़्यादा काम हो गए हमारे, बहुत ज़्यादा बाहर जाना ये सब कुछ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या सामान ऑर्डर किया था, वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी। और क्या कहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा आई होप आपको वीडियो अच्छी पसंद आई हो। और अब मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ, आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।